तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नए वीडियो के एक नए अंदाज में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं भी मौजूद हूँ भगवान श्री रामलला के मंदिर अयोध्या के अंदर। सामने भव्य मंदिर आप लोग देख ही सकते हो। ये वीडियो मैं थोड़ा सा बाहर गेट से दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बाहर से ही मैंने शुरुआत कर ली थी। मैंने सोचा था बाहर पता नहीं अंदर कहाँ तक फोन अलाउ होगा कि नहीं होगा, पर यहाँ तक है, तो मैं सोचा इंट्रो यहीं तक बना दिया जाए। हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाला ये आज रात को वीडियो आ जाएगा। और ये 23 जनवरी 2024 का दिन है, जिस दिन अभी आज ही खुला है पब्लिक के लिए, और शाम को ही हम आगे करीब 9:45 का टाइम हो गया है। और पीछे ये रामलला का मंदिर है। तो ज्यादा बातचीत ना करते हुए मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से रामलला का मंदिर जो है वो सज चुका है, सजा हुआ है, और हमेशा के लिए अनंत काल तक ये जो है बन के रेडी हो गया है। भाई चलो जय श्री राम, कमेंट में लिखते रहो और चलते हैं मंदिर के अंदर। भाई देखिए कितना होता, जय श्री राम। चलिए आज 10 दिन से जो रुके हुए हैं वो हम लोगों का जो है पूरा हो गया यार, कि किस तरीके से यहाँ पर ये भाई मेन गेट होने वाला है। देखिए यहाँ मंदिर का भव्य राम मंदिर का गेट, जहाँ कल जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी है जो, तो जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये देख सकते हो भाई किस तरीके से अभी यहाँ का परिसर होने वाला है। ये देखिए मंदिर का परिसर आप लोग देख सकते हो। यहाँ से मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, शायद आवाज ना मेरी आ रही हो। ये गेट है, ये है सामने, चलो चलते हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों फाइनली जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, मैं भी मंदिर में आ चुका हूं और मंदिर के ऊपर ही मौजूद हूं। यहां पर क्वालिटी पता नहीं कैसी आ रही होगी, मेरे को भी नहीं आइडिया है कि किस तरीके से क्वालिटी आ रही होगी। पीछे का आप लोग देख सकते हो किस तरीके से भव्य नजारा है मंदिर का, जिसे देखने के लिए लाखों लोग अपने घर में बैठ के तरस रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर दर्शन करने का मौसम प्राप्त, दर्शन करने का जो है अवसर प्राप्त हो रहा है, उसके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद ऊपर वाले का चाहूंगा, जिन्होंने मुझे बताया कि आज मंदिर इतने बजे तक ही खुला है। वरना मैं सोचा था सुबह मैं आऊंगा। तो ये देखिए पीछे का किस तरीके से नजारा भाई आने वाला है, और ये देखिए पीछे का अभी भी जगमगा रहा है बिल्कुल यहाँ से भाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने लोगों की भीड़ आ रही है, हजारों लोगों की भीड़ एक साथ आ रही है। और रात के 8:30 बजे का ये नजारा है। यहाँ पे बजरंग बली की काफी अच्छी प्रतिमा बनाई गई, मूर्ति बनाई गई है। और ये देखिए जय श्री राम के नारे लगाते हुए भाई सारे जो है भक्त रामलला के दर्शन करने के बेकाबू हो रहे हैं, एक प्रकार से ये समझ लीजिए। और पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद तो है, लेकिन ऐसे अपने कोई आशा नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो जाए। पर हाँ ये देखिए रामलला का भव्य मंदिर, जिसे देखने के लिए भाई तड़प रहे थे, तरस रहे थे, हमेशा आते थे। तो उस साइड टेंट लगा हुआ था, रामलला का उस साइड टेंट लगा हुआ था, जहाँ से दर्शन करके हम लोग हमेशा चले जाते थे। और ये यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से अभी मंदिर है, प्रशासन हमारा मौजूद है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। यहाँ पे फोन आज लाने की यही तो एक भाई, पूछो मत, चलो अंदर चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली चलिए देखते हैं यहाँ पे मंदिर जो है बंद, मंदिर जो है अभी ये सामने जो है रहा, लोगों को यहाँ से हटा रहे, क्योंकि लोग फोटो सेल्फी लेने में ही लगे पड़े हैं, बाकी और कुछ काम ही नहीं कर रहे, यहाँ दर्शन कर ही नहीं रहा कोई, मतलब सारे लोग जो है। आप भी तो व्लॉगिंग कर रहे हो? हाँ हाँ भैया भैया। दोस्तों चल रहे हम लोग अंदर की तरफ, देख सकते हो किस तरीके से अंदर का माहौल। ये देखिए जय श्री राम। दोस्तों अभी धीरे करके हम आ गए हैं मंदिर के अंदर, और यहाँ पर जो मंदिर का प्रांगण है वो देख सकते हो किस तरीके से भाई, मंदिर की दीवारें, मंदिर के जो पिलर है, स्तंभ जिन्हें कहते हैं वो, और जो मंदिर पे करी गई नक्काशी जो हम लोग अभी सिर्फ निर्माण कार्यशाला में ही देख पा रहे थे, वो यहाँ पे देखिए। ये ऊपर का मंडप है, ये प्रथम मंडप है। ये देखिए ये बाहर से जो मंडप आप देखते हो, ये प्रथम मंडप है मंदिर के, मंदिर का। और मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया, अभी भी सजा हुआ है। कल जिस तरीके से सजा था उसी तरीके से आज भी सजा है। प्रभु श्री राम का मंदिर अनंत काल तक बन गया है, करीब 101,000 साल तक ये चलने वाला है। उसके बाद मतलब ऐसा इंजीनियर्स का कहना है, और ये तो अभी लाखों करोड़ों मतलब कितने साल तक चल पाएगा, चलेगा, टूटेगा तो फिर बनेगा, टूटेगा तो फिर बनेगा, मतलब एक चीज़ की लिमिट होती है। फिलहाल वो सब छोड़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर भक्तों का कितना बड़ा सैलाब है। और ये देखिए ऊपर के मंडप देखिए किस तरीके से फूलों से पूरा सजाया गया है इसको, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। ये दूसरा मंडप है और अंदर भगवान प्रभु श्री राम लला विराजमान है। शायद आप लोग मुझे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, वो सामने की तरफ एक छोटा। जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों सामने भगवान प्रभु श्री राम लला के दर्शन आप लोग कर सकते हो, और सिक्योरिटी गार्ड जो है कैमरा यहाँ पे
ऑन करने के लिए मना कर रहे हैं, तो एक झलक आप लोग देख सकते हो, बहुत दूर है हम लोगों से भाई, लेकिन उतने ही पास है मन से देखें तो। दोस्तों यहाँ जैसे मंदिर से मैं बाहर दर्शन करके निकला तो यहाँ पे मुझे सोने के दरवाजे दिख गए। शायद इनको मैं अचानक ही देख गया था, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था, मतलब मंदिर में और चीज़ों को देख रहा था, इन सोने के दरवाजों को नहीं देख पा रहा था। तो भाई यहाँ पर हम लोग बाहर निकल चुके हैं यार, और अंदर जो है बहुत रस है, तो अंदर रुकने नहीं दे रहे सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से मंदिर को तो छू लेते हैं कम से कम यार, जो इतने सालों से बन रहा था इसका जो है सभी से इंतजार था सभी को, और आज ये बन के तैयार है, लगभग अभी आधा से ज़्यादा काम हो गया है ना। तो ये मंदिर का परिसर है, ये देखिए जय श्री राम, ये बन रहा है रामलला का मंदिर, और ये अभी बाहर निकलने का ये द्वार है, और मंदिर में तो दर्शन वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। इस तरीके से सजा हुआ है कुछ मंदिर देखिए, ये वो पताका फहरा रहा है भगवान श्री राम का, है ना। पूरा बहुत बढ़िया तरीके से इस मंदिर के परिसर को बनाया गया है भाई, मंदिर बनाया गया है, और कैसा भी हो भगवान श्री राम लला का मंदिर बन गया है, ये इससे बड़ी खुशी है किसी के लिए भाई, हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये देखिए ये मंदिर का एक और द्वार होने वाला है कभी आने वाले समय में, ये भी द्वार एक रहेगा मंदिर का, इधर से भी आ या जा सकेंगे। ये देखिए पुलिस प्रशासन बहुत मौजूद है, ये देखिए किस तरीके से मौजूद है, आज कोई सिक्योरिटी भी चेक नहीं हुई बाहर, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं पुलिस वाले भाई, और रखना भी चाहिए, हमारे रामलला का मंदिर है भाई। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर अभी माहौल मौजूद है, ये देखिए वाह, बाहर की भीड़ देख सकते हो किस तरीके से है, लोग यहाँ से जाने को तैयार नहीं है, यहाँ पर ये निकास द्वार है लेकिन लोग जाने के लिए तैयार नहीं है, फोटो सेल्फियाँ सब सारे लोग ले रहे हैं, मैं भी यही कर रहा हूँ भाई, मेरा भी जाने का मन नहीं कर रहा, तो मैं दूसरे को क्या कहूँ। ये कुछ परिसर है आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर ये मौजूद है, ये देखिए ये पूरा मंदिर का मंदिर है, काफ़ी दूर में फैला हुआ है भाई, और अभी भी काम चालू है, बनने को रेडी है, बस ये ओपन कर दिया गया है, रामलला की जो है वो प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है, और आज से दर्शन कर पाएंगे, नित्य दिन प्रतिदिन दर्शन करने आइए, एक बार दो बार चार बार पांच बार जितनी बार भी आइए। हाँ ये देखिए कुछ किस तरीके से मंदिर का बाहर का प्रांगण है भाई, तो मंदिर में अभी दर्शन करके हम लोग बाहर की तरफ आ चुके हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग भी हैं जो है जमावड़ा लगा हुआ है, लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं, लोगों का जो सपना है वो आंखों में तो बसा ही रहे हैं, लोग कैमरे के माध्यम से भी कैप्चर करके घर को लेके जा रहे हैं कि घर वाले भी देख सके भाई लाइव। ये देखिए बहुत सारी भीड़ है, आज पहला ही दिन है, आज 23 तारीख है, और आज ही रात में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग जो है लाइव देख पाओ कि आज के क्या दर्शन रहे हैं, आज पहले दिन का क्या यहाँ पे माहौल रहा है भाई, बहुत ही तगड़ा रहा है जो भी रहा है। ये देखिए राम मंदिर का नज़ारा और राम मंदिर का जो है दर्शन, और इतने सालों का जो है तपस्या आज सभी की पूरी हो गई और मंदिर बन के तैयार हो गया, इतने लोगों का बलिदान रहा, वो भी मंदिर उनका भी आज बलिदान सफल हो गया और फाइनली राम मंदिर बन गया। इस तरीके से आज़ादी दिलाई नहीं हम लोगों को अंग्रेजों से लोगों ने, तो उन पुरुषों का भी बलिदान आज़ादी मिलने के बाद वो हो गया, और आज इस तरीके से इस राम मंदिर को बनने के लिए लोगों ने बलिदान दिया उनका भी आज पूरा हो गया। इस तरीके से यहाँ पर लोग देखिए उत्साह मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, तो देखने लायक है। और पीछे देखिए यहाँ पर लेजर शो भी चल रहा है, वो मेन गेट है मंदिर का। श्री राम। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बाहर निकले हैं, आप लोग किसी कैसे देख सकते हैं, अभी कैमरों को अलाउ किया है तो लोग निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं, और अभी भी रास्ते कंप्लीट नहीं है, ये रास्ते भी कंप्लीट नहीं है, सिर्फ पन्नी बिछाई गई है इधर क्योंकि काम चल रहा है अभी, और सब सामान यहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि कल प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, तो कल के दिन जो है यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, है ना, सारे जो लोग वही आ सकते थे, जो लोग को जो है यहाँ से राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से न्योता मिला था वही सिर्फ आ सकते थे, बाकी लोग जो है आज के लिए वेट कर रहे थे, आज जैसे हम लोग वेट कर रहे थे ना, आज हम लोगों का इंतजार खत्म हो गया और फाइनली राम मंदिर के दर्शन हो गए। ये देखिए किस तरीके से मौजूद है, जगह जगह से आप लोग दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किस एंगल से किस तरीके से ये मंदिर लग रहा है, ये देखिए बाकी ये इसका मुख्य द्वार है, यहाँ से फिर हम लोग एग्जिट करेंगे चलेंगे बाहर की तरफ, देखिए कितने लोगों हजार लोगों की भीड़ यहाँ पे मौजूद है अभी। ये देखिए आयोजन को संभालना सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार, ये देखिए पुलिस, ये इधर भी अभी बन रहा है, ये कल की कुर्सियां पड़ी हैं, पानी की बोतल पड़ी है, खाने पीने का सब सामान पड़ा है, इधर की कल बहुत सारे एक्टर आए थे, बहुत सारे नेता अभिनेता आए थे यहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के, ये देखिए। तो दोस्तों फाइनली जैसा कि आप सभी को पता है मैं अभी राम मंदिर में आया था, और आज 23 तारीख 2024 का ही वो दिन है जिस दिन हमें पहले दिन ही भगवान श्री राम के लला के दर्शन हो गए, और यहाँ से मैं बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ, एक अलग ही वाइब लेके जा रहा हूँ, वो मैं पल देख के जा रहा हूँ यहाँ से, जब भगवान से राम लला यहाँ से पंडाल से उठ के अपने भव्य
राजमहल में पधार रहे थे उस वक्त हम लोग साक्षी थे, अयोध्या में ही मौजूद थे, हम लोग देख रहे थे उनको वहां भी दर्शन, कल परसों वहां दर्शन हमने किए और आज यहां हमने दर्शन किए। ये है फर्क, ये है लड़ाई, ये है वो सभी भक्तों का, सभी सेवकों का, उन्होंने जिन्होंने बलिदान दिया सबकी ये लड़ाई का आज ये रिजल्ट आया है, ये परिणाम आया है और ये राम मंदिर बन के तैयार हो गया है। जय श्री राम। आप लोग वीडियो पे पहली बार आए हो तो भाई लाइक कर देना और लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी 1 लाख तक लेके जाना है क्योंकि बहुत ही कम है भाई, 1 लाख होने में बस कुछ ही पल बाकी है, तो आप लोग जल्दी से करवा देना। और ऐसे ही सुबह भी आएंगे तो दिन का भी एक बार इसका वीडियो बना के जरूर आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से दिन में ये नजारा आता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।